हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फियोसिस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का एक और नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। बच्चों, कैलकुलस मेथड का मतलब होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो आइए कैसे डिराइव करते हैं इसको सीखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसका इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। एक एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बच्चों a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में डी टी यानी डी वाला टर्म्स होना चाहिए, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, आप इसको इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट, तो एक्सेलरेशन ए डी टी, इसके जो लिमिट होगा जिसके साथ हम डी लगा रहेगा बच्चों, डी उसी का लिमिट लेते हैं। तो यहां टाइम के साथ डी है, तो इसका लिमिट होगा 0 से t। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी चेंजेस नहीं हुआ था तो टाइम काउंटेबल क्या होगा, 0। जब वेलोसिटी चेंजेस होगा आफ्टर टाइम टी, तो लिमिट बनेगी 0 to t, और इसके लिए लिमिट बनेगी इनिशियल से फाइनल यू टू वी। एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बच्चों डी टी बचेगा 0 to t, और इसे सॉल्व कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन डी वी सिर्फ वी हो जाएगा इंटीग्रेशन से, आप लोग ये मैथमेटिक्स में जानते होंगे, यू टू वी इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये टी हो जाएगा, लिमिट इसका 0 to t यहाँ लग जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व होगा, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए टी बचेगा, यू इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, वी बचेगा इस साइड। तो यू कैन से वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेरी सिंपल तरीके से आपने वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव कर लिया। अब इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है बच्चों। तो v की वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस फार्मूला, आप पढ़े होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds अपॉन dt, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ से ds कैलकुलेट करते हैं तो v dt हो जाएगा बच्चों, v dt। और इस इक्वेशन में हम इसको फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकंड बना दीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस वी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप डीएस की वैल्यू लेंगे क्या, यू प्लस ए टी, ये वैल्यू पुट कर देंगे वी के प्लेस पर, फर्स्ट वाला डी टी, इसका भी इंटीग्रेट कर देंगे अंडर लिमिट। तो डिस्टेंस के लिए लिमिट क्या होगा, 0 से s, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई थी तो एक्सेलरेशन नहीं आया था, तो उस टाइम सब कुछ 0 था। तो इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे ds, लिमिट बच्चों 0 to s हो जाएगा। यहाँ dt के लिए 0 to t होगा, u प्लस ए टी और dt, ये आपका आ जाता है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो ये s आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 to s, और ये अलग अलग हो जाएगा u dt 0 to t, ये भी अलग अलग हो जाएगा at dt, ये dt का भी आपस में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन भी साथ में आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन का रूल लिमिट सॉल्व करने का आपको मैथमेटिक्स से वाले सर आप लोग को पढ़ाए होंगे बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं s माइनस 0, यहाँ u कांस्टेंट बाहर होगा तो dt बचेगा, और dt का मतलब लिख देते हैं एक स्टेप डी टी, यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा t dt बचेगा बच्चों 0 to t,
इसको सॉल्व करेंगे एस, ये यू, इंटीग्रेशन डीटी सिर्फ टी होता है आप सब जानते हैं, तो लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी प्लस यहां ए, ये टी के पावर वन है, तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डीएक्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, तो टी के पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन लिमिट लगा देंगे बच्चों जीरो टू टी। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां टी माइनस जीरो आएगा, तो एस इज इक्वल टू यू, टी माइनस जीरो टी हो जाएगा, वन बाई टू यहां से बाहर होगा ए, टी स्क्वायर बचेगा लिमिट जीरो टू टी। इसको भी सॉल्व कर लेंगे लिमिट से, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन आपका बच्चों डिराइव हो जाता है। तो इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लिया ओके। तो अब हम थर्ड इक्वेशन प्रूफ करने जा रहे हैं, और फिर से हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे, और इसी का हम यूज करके थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस सॉल्व करेंगे। तो यहां से डी वी इज इक्वल टू ए डी टी नहीं कैलकुलेट करेंगे, इससे रॉन्ग हो जाएगा, कुछ यहां ही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उसमें ए होता है, यू होता है, एस भी होता है, तो हम क्या करेंगे डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहां पे डी वी अपॉन डी एस ऐसे लिखेंगे और डी एस अपॉन डी टी ऐसे लिख देंगे, क्लियर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको अगर काट देंगे तो वही चीज मिलेगा, है ना, और डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाता है आपका वी, तो इसके प्लेस पे आप रख देंगे वी, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इन टू वी, डी एस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए डी एस, वी को पहले लिख देंगे वी डी वी, वी को हमने क्या किया पहले लिख दिया, डी वी को बाद में, इसका भी इंटीग्रेट कर डालिए, तो अंडर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे ए डी एस, डिस्टेंस के लिए जीरो टू एस लगेगा लिमिट, और यहां वेलोसिटी है तो इसके लिए इनिशियल से फाइनल लग जाएगा, इनिशियल यू होता है फाइनल वी, इसमें एक कांस्टेंट है सॉल्व कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन डी एस बचेगा बच्चों जीरो टू एस। यहां एक्स पावर एन डी एक्स वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो यहां पर आपका फार्मूला आ जाएगा वी की पावर टू वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, तो टू हो जाएगा, लिमिट वेरिएबल पे आ जाता है कॉन्स्टेंट से हट करके, यू टू बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टू ए, और ये हो जाएगा आपका एस, लिमिट जीरो टू एस, यहां अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, और आपका सॉल्व करने पर ये मिल जाएगा एस माइनस जीरो एस आएगा, तो टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो थर्ड वाला आपका हो जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बच्चों ये आपका तीनों इक्वेशन मिल जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इंटीग्रेशन मेथड से। और हमने वेलोसिटी और एक्सलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेकर के सॉल्व किया है, यही प्रोसेस है। और कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म आपसे लिखने के लिए अगर पूछता है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इन इक्वेशन का, तो आइए इसको भी देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसको समझते हैं, और बहुत ही कम टाइम में इस चीजों को हम सीखेंगे। तो जैसे v इक्वल टू क्या था आपका u प्लस ए टी, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, यहां वेक्टर लगा देंगे, यहां एरो लगा देंगे, यहां एरो लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एक वेक्टर यहां लगा देंगे, यहां वेक्टर और यहां वेक्टर, यहां डॉट का साइन होगा। v स्क्वायर होता है तो v स्क्वायर को वेक्टर v डॉट वेक्टर v लिखेंगे, u स्क्वायर को वेक्टर u डॉट वेक्टर u लिखेंगे, प्लस टू वेक्टर a डॉट वेक्टर s। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का वेक्टर फॉर्म, सही प्रोसेस यही है वेक्टर फॉर्म को लिखने का, कि एरो के साथ लिखते हैं, और जनरल फॉर्म में हमने जैसे आपको प्रूविंग कराया है यही होता है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक, तब तक आप लोग पढ़िए, यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।